डेफिनेशन को समझना जरूरी होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और नाउन। एन एडजेक्टिव यानी विशेषण इज अ वर्ड, ठीक है, ऐसा शब्द व्हिच क्वालिफाइज करता है नाउन और नाउन को क्वालिफाई करना अपनी उपपत्ता को बताता है। तो समझ में आ गया होगा विशेषण क्या है, जो नाउन और नाउन की विशेषता को बताता है। एग्जाम्पल, न्यू पेन। अब पेन क्या है, नाउन है। अब नाउन की पेन की गुणवत्ता कैसे बताई जा रही है कि पेन या तो नया है या पुराना है। लेजी मैन, मैन क्या है, नाउन है। अब मैन की गुणवत्ता किससे बताई, लेजी से, कि आदमी आलसी है। स्ट्रॉन्ग मैन, यहाँ पे भी मैन व्यक्ति है, नाउन है, तो उसकी गुणवत्ता कैसे बताई कि वो स्ट्रॉन्ग है, वीक भी है। सबसे पहले गुणवत्ता की बात की जाती है तो जरूरी नहीं कि उसके गुणों में यानी प्लस ही बताया जाए, पॉजिटिव बताया जाए। गुण बढ़ता में सारी ही बातें आती है, यानी उसका माइनस भी आता है, उसका प्लस भी आता है। गुण तो दोनों प्रकार के होते हैं, हर व्यक्ति में अच्छे गुण भी होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। तो उनकी गुणों से ही उनकी पहचान की जाती है ना। तो इसमें हम दोनों वर्ड्स को यूज करेंगे, जैसे न्यू मैन, लेजी मैन, स्ट्रॉन्ग मैन, बिग सिटी, अब सिटी केवल बड़ी गुण होती है, छोटी भी होते हैं कई शायद, छोटे होते हैं कई शायद, बड़े होते हैं। तो बिग और जो स्मॉल वर्ड होगा उसकी एडजेक्टिव होगा। ब्लैक डॉग या एनिमल का विशेषण होता है कि कुत्ता कैसा है, काला है, डॉग कैसा है, ब्लैक है। तो जरूर की ब्लैक डॉग ब्लैक ही हो, ब्राउन भी होता है, व्हाइट होता है, स्मॉल भी होता है, टॉल भी होता है, तो उसकी अपनी अपनी योग्यता होती है। तो हमने कैसे पता किया जाना कि जो वर्ड्स नाउन और नाउन को उनकी क्वालिटीज को बताते हैं, क्वालिफाइज करते हैं, वो ही एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यू मैन, लेजी मैन, स्ट्रॉन्ग मैन, बिग सिटी, ब्लैक डॉग। अब हम कहते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के प्रकार, काइंड्स होते हैं प्रकार। एडजेक्टिव के ऐसे 6-7 एडजेक्टिव्स के हम लोग काइंड्स पढ़ते हैं। यहाँ मैं भी आपको 3 डिफाइन कर रही हूँ, 3 काइंड्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी होती है गुण, किसी की गुण को बताना, ठीक है। व्यक्ति की भी हम क्वालिटी देखते हैं, कैसे गुण वाला व्यक्ति है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ऑनेस्ट है, देखते नहीं देखते व्यक्ति को उसके गुणों से पहचानते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज क्या होता है, इसको मैं डेफिनेशन की तो एक्सप्लेन कर रही हूँ। एडजेक्टिव विच शो, एडजेक्टिव विच शो, शो यानी बताता है द काइंड, काइंड यानी प्रकार और क्वालिटी ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी एडजेक्टिव यानी विशेषण जो ये बताता है नाउन और नाउन के प्रकार और उसकी गुणवत्ता को, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर से बताती हूँ, एडजेक्टिव विच शो द काइंड्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी एडजेक्टिव की क्वालिटीज को कैसे बताएगा, उसके प्रकार से या उसकी क्वालिटी से बताएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ बॉय क्या है, नाउन है, उसकी क्वालिटी क्या है कि गुड है, अच्छा है, ठीक है। इसी प्रकार दिस, दिस बुक इज ओल्ड, ये किताब पुरानी है। अब यहाँ बुक क्या है, नाउन है, बुक क्या है, नाउन है। अब उस बुक की क्वालिटी क्या है कि वो पुरानी है, ठीक है। तो यहाँ पे गुण कैसे पता पड़ा, क्वालिटी कैसे पड़ी, लड़का कैसा है, गुड है, बुक कैसी है, ओल्ड है, पता पड़ रहा है ना। तो नाम बॉय और नाम की विशेषता गुणवत्ता क्या हुई कि वो अच्छा लड़का है। दिस बुक इज ओल्ड, किताब नाम है, नाम की गुणवत्ता क्या है कि वो पुरानी किताब है। नेक्स्ट, एक्टिविटी ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी की यानी मात्रा, क्वांटिटी यानी मात्रा, एक्टिविटी उसकी मात्रा की बात कर रहा है। कैसे करेगा, मान लीजिए हम बाजार में कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मात्राएं देखते ना कि हमें कितना सामान चाहिए, ठीक है। सब्जी खरीदने जाते हैं तो हमें पता है कि हमें 1 किलो लेनी है, 1/2 किलो लेनी है। फ्रूट्स लेने जाते हैं तो हमें पता है, हम ड्रेस खरीदने जा रहे हैं तो हमें पता है हमें 1 लेनी है, 2 लेनी है, ठीक है। यानी कि हम कुछ भी सामान खरीदते हैं तो हम उनकी या किसी व्यक्ति की संख्या को बताते हैं कि यहाँ हमें कोई कार्य कर रहे तो हमें वहाँ पर कितने व्यक्ति की जरूरत है, डिसाइड करते ना, इन्हीं चीज़ों से डिसाइड करते हैं। तो क्वांटिटी यानी मात्रा, और मात्रा इसको मैं डेफिनेशन से बताऊंगी, एडजेक्टिव विल शो हाउ मच ऑफ द थिंग इज नीडेड, यानी एडजेक्टिव विशेषण हो जो कि बताएगा कि वस्तु की मात्रा कितनी है, यानी हमें कितनी संख्या में वो वस्तु चाहिए।
ऊपर